BIBCL के टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए चलकर विश्लेषण करते हैं और बताएंगे। ये 90 रुपए तक चला गया था, उसके बाद अब 30 रुपए आ चुका है, क्या यहां पर वैल्यू बाय बन रही है? लेट्स लुक एट टेक्निकल्स एंड देन वी विल रिमाइंड। आज का भाव 30 रुपए के आसपास बंद हुआ है, बंद होते होते फ्राइडे के दिन, और साथ साथ में अगर देखें तो एवरेज इसकी जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो करीब करीब यहां पर 35,000 क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। मार्केट कैप की दृष्टि से देखा जाए फेस वैल्यू 10 रुपए की है और 130 करोड़ की मार्केट कैप है, तो 2% से ज़्यादा आप कभी भी निवेश नहीं करेंगे इस तरह के स्टॉक में, ये हमारी आपको सलाह रहेगी। देखिए ये काफ़ी पहले मोमेंटम के साथ चला था, अब उसके बाद में इसने एक फॉलिंग चैनल बनाया हुआ है और जब ये फॉलिंग चैनल को ब्रेक करके ऊपर उठना शुरू करेगा तो मोमेंटम के साथ काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पर इसने ये फॉलिंग चैनल बनाया हुआ है और चैनल के लोअर हिस्से में पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से ये, तो ये अपने मोमेंटम को ऊपर लेके जा सकता है। जब अब ये 30 रुपये से लेकर 25 रुपये से 20 के बीच में बहुत अच्छा बाय बन सकता है इस फॉलिंग चैनल के साथ में एक क्विक बाउंस के लिए। बुलिंजर बैंड फ्लैट होने लगा है और बैंडविड्थ करीब 23 के आसपास है, तो यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सुपर ट्रेंड अभी भी इसको सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, स्टॉप लॉस 35 रुपये का है। RSI 34 जो कि थोड़ा ओवर सोल्ड जोन में आने की कोशिश कर रहा है। MACD ने इसको अभी भी यहाँ पर सेल सिग्नल बना के रखा हुआ है, तो देखिए MACD जैसे ही इसका पॉजिटिव टेरिटरी में आता है तो ये फिर से तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू कर सकता है हमारे हिसाब से। मार्केट करेक्शन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे तो इसको अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो सकता है तो ग्रेजुअली इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रख सकते हैं, अक्यूमुलेट करके रखिए। मल्टीपैगर स्टॉक रहेगा, 299 का पैकेज चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेड मेंबरशिप प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत।